आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। यूक्रेन का दावा, रूस के 17,700 सैनिक मारे गए, 625 टैंक और 143 विमान का हुआ नुकसान। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबे समय तक खिंच गई है, न रूस पीछे हटने को तैयार है न ही यूक्रेन झुकने को। ऐसे में यूक्रेन में भारी मात्रा में तबाही हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड व बेल्जियम के सांसद को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं अभी भी रूस के खिलाफ ठोस कदम का इंतजार कर रहा हूँ। हमें हमलावर पर तब तक दबाव बनाना होगा जब तक उसकी आक्रामकता न खत्म हो जाए। रूस के शहर बेलगोरोद के गवर्नर ने दावा किया है कि उसके यहाँ एक तेल डिपो पर यूक्रेन सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच ऑनलाइन माध्यम से वार्ता की शुरुआत भी हुई है। दूसरी ओर यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने 17,700 रूसी सैनिक को मार गिराने का दावा करते हुए रूस में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया है। अंत में कुछ मुख्य समाचार के शीर्षक। रूस पर प्रतिबंधों से बचने के लिए भुगतना होगा परिणाम, अमेरिका की भारत को चेतावनी। वैश्विक प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत को तेल में भारी डिस्काउंट की पेशकश की। रांची में कुछ जगहों पर बनेगी फोर लेन सड़क, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की होगी कड़ी परीक्षा। चेन्नई पर धमाकेदार जीत के बाद लखनऊ सुपर जेट्स ने मनाया जश्न, वीडियो वायरल। सूर्य कुमार की वापसी से रॉयल्स के खिलाफ मुंबई की उम्मीदें बढ़ी। इमरान के मंत्री ने आजमाया कप्तान का प्लान भी, चंद लम्हों में जीत हो गया विपक्ष। दिल्ली में फिर शराब की कीमतों पर भारी छूट, आबकारी विभाग की हरी झंडी। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें एशिया न्यूज।